यार समझा करे ना। देखे रात को ठीक था, अभी टांग भी नहीं लगा रहा, कहते चोट इसको नहीं लगी, अब रात तितर के पिंजरे में तो नहीं देना। यही मतलब देखे, या तितर को चोट लगी होगी पिंजरे के अंदर, कोई सटाई होगी, या के इसको फालिज या लकवा हुआ होगा। आप कहते ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ, तो आपको मदद फिर पता, मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ है। फिर नहीं नहीं आपने जो मुझे कॉल की है कि आप क्या कहते, फिर इसको क्या हुआ है, आप ही बताए क्या हुआ है इसको। नहीं हाथ में जो इसको पकड़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या हुआ है, आपको कोई पता चलेगा? भला वो पकड़ कर देखे इसको, कोई ब्रोफेन वगैरह पिलाए ना, आप कहते चोट भी नहीं लगी, इसको लकवा या फालिज भी नहीं हुआ। इन दोनों मसलों में से ऐसे ही एक ही मसला हुआ होगा ना। आप कोई चीज़ मान भी नहीं रहे कि ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं, बस फिर आपको पता है तो फिर हमें कॉल करने का तो फायदा नहीं है ना भाई। हाथ में ना पकड़े ना, मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ कि इसको हाथ में पकड़ो, इसको ब्रोफेन वगैरह को पेन किलर दवाई देना जो इससे बेहतर हो जाए। यार ब्रोफेन इसको पानी में घोल के दे, यार को बच्चे तो नहीं है। तितर को हाथ में पकड़ोगे तो तितर खराब हो जाएगा ना मदी, तो आपकी मर्जी है, जैसे आप बड़े कारीगर है वैसे करें ना यार। नहीं मच्छिया, हाँ मच्छिया, ट्यूबवेल जो पानी आ गया भाई। सुबह सुबह किसी भाई ने मुझे कॉल की है कि यार मेरा तितर रात को सही था, खुराक वगैरह सही खाई है, बुलाई वगैरह कर रहा था, सुबह से जैसे उठा हूँ तो तितर जो है सो एक टांग रख रहा है, एक टांग नीचे नहीं रख रहा। तो मैंने कहा इसको पिंजरे के अंदर कोई सट्टा कही होगी, कोई चोट वगैरह लगी होगी, या तो फालिज या लकवा का कोई अटैक आया होगा। कहता नहीं इसको सट भी नहीं लगी है, इसको फालिज या लकवा भी नहीं हुआ, बस ये टांग नहीं रख रहा। मैंने कहा भाई टांग नहीं रख रहा नीचे तो उसको कोई ना कोई वजह हुई होगी, कोई ना कोई तकलीफ है। कहता नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं यार, ऐसे नहीं है तो फिर वो टांग क्यों नहीं रख रहा, इसको कोई तो तकलीफ हुई है ना टांग में जो नहीं रख रहा। आप उसको हाथ में पकड़ कर क्या करेंगे, कौन सा आपके पास जादू है आपको टांग बताएगी कि ये मसला है, ये तो तितर अपना ख़राब कर देगा। मैं उसको बता रहा हूँ कोई दवाई, उसको पेन किलर कोई दर्द वाली कोई दवाई दे तो बेहतर हो जाएगा। कहता नहीं बस आप वीडियो देखें यार, ये क्या मुसीबत है, आप उसको दवाई देंगे तो उसकी तकलीफ़ दूर होगी, मेरी वीडियो देखने से क्या होगा। थोड़ा जब बात को समझा करें, अगर परिंदे को कोई तकलीफ़ होती है, कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहले उसका कोई इलाज करे, जो कोई भाई बता रहा है उसका इलाज करे, ना कि उसको वीडियो भेजने से बेहतर है पहले उसका इलाज तो करे ना यार, बात को समझते नहीं हैं आप। अच्छा इसको कोई सट वगैरह लग गई होगी ना पिंजरे में के अंदर, या सट लगी होगी, या कि इसको फालिज या लकवा तो नहीं हो गया है? बात है आप कहते हैं एक चटांग जो सुबह से नहीं लगा रहा, कल ठीक था, मैं पूछ रहा हूँ। जाए जी तितर को सुबह सुबह लेके आए हैं, हमाद आपके सामने बैठा हुआ है, ये हमारा तितर बुलाई कर रहा है सुबह का टाइम है। और वहाँ पर आप देखेंगे एक भाई वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए, वो भी तितर में लेके आया हुआ है, तितर किटका जमा रहा है। अभी तितर हमारा तितर ने आवाज़ कर दी सुबह सुबह ही, माशाल्लाह पहली आवाज़ है माशाल्लाह। मैंने सोचा कि सुबह सुबह का आपको व्लॉग कर दिखाएं, क्योंकि अभी गंदम की भी कटाई हो रही है, गंदम जाएगा तो अभी जो है सो फिर आ जाएंगी जो है सो कपास का फसल का टाइम आ जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह, आए दे ये जिसकी तरह हमारा पट्टा जो है सो बुलाई कर रहा है। इसके लिए मैं 72 बोटी लेके आऊँ फसल को, देखते हैं कहाँ से मिलती है। Thank you.
देखे जी भत्ता रोटी लेके आए हैं। ये देखे ये भत्तल है, ये भत्तल रोटी के फूल है और ये भत्तल रोटी। हम सुबह सुबह अपने परिंदे को लेकर आते हैं बाहर, घुमाया फिराया है, फिर अटोरा दिया है तितर को, ने अच्छी आवाज़ें वगैरह की है। ये भत्तल बोटी का फिर फूल, जंगल की जो भी चीज़ें अच्छी खुराकें वो हमने खिलाई हैं। तितर देखे मस्ती में भी है भी पट्ठा हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त बुलाई कर रहा है माशाल्लाह से। ये ट्यूबवेल के ऊपर हमने रख दिया है, यहाँ पर बुलाई कर रहा है। ये लड़के खड़ा हुआ, ये हमारे एक और लड़का खड़ा हुआ पूछ रहा है चाचू ये पिंजरा कहाँ से मंगवाया है आपने। तो मैंने इसको बताया कि ये पिंजरा हमने पंजाब से बनवाया है और पिंजरा ऐसा छोटे को बहुत पसंद आया, कहता आपका परिंदा भी बहुत ही अच्छा है और आपका पिंजरा भी बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा माशाल्लाह जी जज़ाकल्ला मेहरबानी इस बच्चे की, हमारा परिंदा इसको पसंद आया जी। आपको भी वीडियो पसंद आए, हमारा परिंदा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।